बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुहेब लबर्ड प्लैनेट। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जी ब्लूटूथ फिशरी। जैसे कि आप सब दोस्तों को पता होगा कि ब्लूटूथ फिशरी किस तरह हासिल की जाती है और उसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मेरा मेन मकसद जो है वो ब्लूटूथ फिशरी को किस पेयर के साथ या किस बर्ड के साथ उसको लगाना है कि हमारे पास जो एक्सपेंसिव बच्चे आएँ। अक्सर दोस्तों को पता होगा कि जो ब्लूटूथ फिशरी है वो उससे सिर्फ जो सारे के सारे बच्चे पार ब्लू देती है वो ब्लूटूथ फिशरी होती है। अच्छा, अब जो कि आपको पता है कि दिन ब दिन जो पार ब्लू है उसके जो रेट है वो कम होता जा रहा है, तो पार ब्लू इनो जो है आपको पता है उसका रेट जो है मार्केट रेट कम हो चुका हुआ है, तो जो सादा पार ब्लू है उसका तो बिल्कुल ही रेट डाउन हो चुका है। अच्छा, अब हम ब्लूटूथ फिशरी तो हमारे पास आ गई, उसने सारे बच्चे हमारे पास पार ब्लू देने हैं। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि सादा पार ब्लू का हम अगर उससे ब्लू बर्ड कोई भी लगा के सादा पार ब्लू निकाले जाएंगे निकलवाई जाएंगे तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब हमने किस बर्ड के साथ लगाना है कि जो हमारे पास पार ब्लू आए ना वो बहुत एक्सपेंसिव बर्ड आए। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ब्लूटूथ फिशरी कैसे हासिल की जाती है। जब भी आप किसी पार ब्लू बर्ड को पार ब्लू बर्ड के साथ ब्रीड करवाते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों पार ब्लू बर्ड हों, तो उसमें से पार ब्लू बच्चे आएंगे और जो उसमें से ब्लू बर्ड आएगा यानी कि ब्लू वन बर्ड जिसे हम ब्लू फिशरी भी कहते हैं, वो जो होती है वो पॉसिबल ब्लूटूथ होती है क्योंकि वो दोनों जीन्स कैरी कर रही होती है, बी वन बी और बी टू भी। अच्छा, अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये बी टू है कि नहीं है, यानी कि ब्लूटूथ है कि नहीं है, वो हमें पता चलेगा टेस्ट ब्रीड से। टेस्ट ब्रीड हम कैसे करेंगे, हम जो पार ब्लू टू पार ब्लू में से हमारे पास ब्लू फिशरी आई होगी वो हम लगाएंगे किसी भी सादा ब्लू बर्ड से, यानी कि ब्लू फिशरी से लगाएंगे किसी एक और बर्ड से। अगर तो वो सारे के सारे बच्चे हमारे हमें पार ब्लू दे दे तो इसका मतलब ये होगा कि वो ब्लूटूथ फिशरी है। अच्छा, अब हमने सादा पार ब्लू निकलवाई जाएंगे तो वो हमारे किसी काम के नहीं है। इससे अच्छा है कि हम ब्लूटूथ फिशरी जो है उसे किसी एक्सपेंसिव बर्ड जैसे कि डाइल्यूट्स हो गए, पेल फेलो हो गए, डन फेलो हो गए, उनके साथ ब्रीड करवाएँ ताकि हमारे पास जितने भी पार ब्लू आएँ वो सब के सब एटलीस्ट स्प्लिट पेल फेलो हों, स्प्लिट डन फेलो हों, या स्प्लिट किसी भी बर्ड का स्प्लिट हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ब्लूटूथ कन्फर्म होगी फिशरी। अब आपने क्या करना है कि उसे या तो पेल फेलो के साथ लगाएं या डन फेलो के साथ लगाएं। इससे क्या होगा कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन पेल फेलो के साथ जो आपके पास ब्लूटूथ फिशरी आई है वो लगाते हैं तो आपके पास सारे के सारे बच्चे जो हैं वो पार ब्लू देगी, पार ब्लू जो देगी वो सारे के सारे कन्फर्म स्प्लिट हो जाएंगे पेल फेलो के। वही अगर आप ब्लूटूथ फिशरी जो है वो सादा बर्ड के साथ किसी सादा ब्लू बर्ड के साथ लगाते तो वो आपके पास जो पार ब्लू आने थे वो बिल्कुल सादा बर्ड होने थे, वो किसी के भी स्प्लिट नहीं थे होने, जो आपके सेल भी बड़ी मुश्किल से होने थे। अच्छा, पेल फेलो के साथ लगाने से क्या होगा कि आपके पास जितने भी पार ब्लू आएंगे ना वो सब के सब कन्फर्म स्प्लिट पेल फेलो हो जाएंगे, या आपने अगर डन फेलो के साथ लगाया तो वो डन फेलो हो जाएंगे, तो आपको पता ही है कि पेल फेलो और डन फेलो स्प्लिट्स का क्या रेट है। ये थी ब्लूटूथ के बारे में। अच्छा, इससे अगर तो आप ब्लू फिशरी को ब्लू पेल फेलो के साथ लगाते हैं तो सारे के सारे बच्चे पार ब्लू हो आएंगे जो के सब कन्फर्म स्प्लिट पेल फेलो हो जाएंगे, और अगर आप ब्लूटूथ फिशरी को जो कि आपकी सिर्फ ब्लूटूथ फिशरी है और वो स्प्लिट किसी चीज़ की नहीं है, वो सादी ब्लूटूथ फिशरी है, उसको आप पेल फेलो के साथ लगा देते हैं पार ब्लू पेल फेलो के साथ, तो आपके पास पार ब्लू बर्ड तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो पार ब्लू बर्ड आएगा जो कि कन्फर्म स्प्लिट पेल फेलो हो जाएगा, और इसके अलावा जो आपके पास ब्लू बर्ड आएगा चाहे वो ब्लू फिशरी हो, ब्लू पेल फेलो तो आना नहीं क्योंकि आपकी जो ब्लूटूथ फिशरी है वो सादी है, स्प्लिट पेल फेलो नहीं है, जो कि आपकी ब्लू फिशरी आएगी वो कन्फर्म स्प्लिट पेल फेलो तो होगी ही होगी और वो कन्फर्म ब्लूटूथ भी होगी साथ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आपने ब्लूटूथ फिशरी को जो कि किसी चीज़ की भी स्प्लिट नहीं है, सादी ब्लूटूथ फिशरी है, उसको पार ब्लू पेल फेलो के साथ लगा दिया, पार ब्लू बर्ड तो आएंगे ही जो कि स्प्लिट पेल फेलो हो जाएंगे, इसके अलावा जो भी आपके पास ब्लू फिशरी आएगी वो कन्फर्म 100% ब्लूटूथ होने के साथ साथ स्प्लिट पेल फेलो भी हो जाएगी। जब आपके पास कन्फर्म ब्लूटूथ स्प्लिट पेल फेलो फिशरी आ गई, उसे किसी भी बर्ड के साथ यानी कि स्प्लिट पेल फेलो के साथ या वीवल पेल फेलो के साथ लगाएंगे, ग्रीन के साथ लगाएं या ब्लू के साथ लगाएं,
वो सब के सब आपके पास पारब्लू बच्चे देगी, चाहे वो पारब्लू स्प्लिट पेल फेलो हों या आपको विजुअल पेल फेलो पारब्लू में देगी, कोई भी इसके अलावा दूसरा बच्चा आपके पास नहीं आएगा। ये है जी उसका ब्लूटूथ फिशरी का चार्म, यही उसकी एक प्लस पॉइंट है कि वो सब के सब बच्चे आपको पारब्लू देती है। अच्छा, और अगर ब्लूटूथ फिशरी आपको इस टाइम तकरीबन मार्केट में 50 से 60 हज़ार के बीच में ना क्वालिटी के हिसाब से मिल जाती है, लेकिन जो सादी ब्लूटूथ फिशरी है, जो जिसने सिर्फ सादा ब्लू आपको पार ब्लू बच्चे देने हैं, लेकिन अगर वही आपकी ब्लू फिशरी स्प्लिट ब्लूटूथ होने के साथ साथ स्प्लिट पेल फेलो भी हो जाए तो आपको पता ही उसका रेट कहाँ जाएगा। उसका एटलीस्ट भी कम से कम रेट भी उसका 100,000 प्लस है। तो ये है पावर ऑफ ब्लूटूथ फिशरी की। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।